और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में, उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज तमाम दिन जो है पाकिस्तान के शायकीन है क्रिकेट इंतजार करते रहे कि कब पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान हो, लेकिन आज भी पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान नहीं हो सका। हुई कुछ ताखिर तो 22 से ताखिर भी था, ना जाने क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा ताखिर की जा रही है। आज के शो में हम इसको डिस्कस करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में फतह के इम्कानात को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान किस गेम प्लान के साथ जाएगा और उसके अलावा दीगर टीमें किस प्लान के साथ आएंगी, इनको हम डिस्कस करेंगे। आज के बहुत ही जो है वो फुली लोडेड हमारा आज का शो होगा, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लीड से बर्मिंगम पहुंच गई, पाक इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच 25 मई को एजिस्टन में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए मैनचेस्टर सिटी के माहिर नफ्सियात डेविड यंग की खिदमत हासिल कर ली। साबिक ऑस्ट्रेलवी कप्तान रिकी पॉन्टिंग के बाद एंडी फ्लावर ने भी भारतीय टीम की कोचिंग करने से इनकार कर दिया। लीग अधूरी छोड़कर जाने वाले खिलाड़ियों की तनख्वाहें काटना मसले का हल नहीं, मैं इरफान पठान की बात से मुत्तफिक हूँ कि पूरे टूर्नामेंट के लिए आए वरना गुरेज करे वसीम अकरम। पाकिस्तान हॉकी टीम को नीदरलैंड्स और पोलैंड के वीजे जारी, सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन राणा मुजाहिद का कहना था कि हर मुमकिन कोशिश है कि स्क्वाड कल सुबह नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो जाए। बरतानवी फुटबॉल कोच त्रिशन पटेल ने पाकिस्तान फुटबॉल टीम को ज्वाइन कर लिया। ऑस्ट्रेलिया वॉलीबॉल टीम सीरीज खेलने के लिए इतवार को पाकिस्तान पहुंचेगी। प्रोफेशनल स्नूकर क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। जी नाज़रीन, इतिहास की टॉप स्टोरीज़, और टॉप स्टोरीज़ के बाद अब हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे खुसूसी लाहौर से, और इनसे हम जानेंगे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान की टीम का ऐलान हो नहीं पा रहा है और क्या उस हवाले से जो है उनके पास अपडेट्स हैं। इमरान लतीफ हमारे साथ मौजूद है लाहौर से बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम इमरान, और ये बताइए कि क्या तफसीलात हैं कि टीम क्यों अनाउंस नहीं हो पा रही। वालेकुम सलाम अली सलमान, अगर बात करें पाकिस्तान टीम की तो स्काउट तो हकमी तौर पर सामने आ चुके हैं, तमाम नाम भी सामने आ चुके हैं, 5 बॉलर्स हैं, 3 विकेट कीपर जाएंगे, 4 ऑलराउंडर हैं, तमाम तो चीजें तो फाइनल हो गई, मगर हुआ ये कि पाकिस्तान का जो मैच था पहला इंग्लैंड के खिलाफ T20 का, तो वो बारिश की नजर हो गया। तो जरा का कहना है कि टीम सिलेक्शन का और मैनेजमेंट का फैसला था कि पहले मैच में जो पाकिस्तान टीम जो इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी तो उसकी जो कारकर्दगी देखी जाएगी, वो तमाम तर सूरत हाल देखते हुए फाइनली हतमी तौर पर यानी आज का कहा गया था कि टीम को अनाउंस कर दिया गया, मगर बारिश आड़े आ गई। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, इसके साथ साथ उनके पास वजारत दाखिले का भी चार्ज है, तो लिहाजा उनकी मसरूफियात के बायस जो टीम की अनाउंसमेंट है इस हवाले से ताखीर का शिकार है। मोहसिन लखवी लाहौर में भी मसरूफ है, इसके साथ इस्लामाबाद है, वजारत दाखिला के अमूर भी देख रहे हैं। तो अब जराए का कहना है कि कल टीम का ऐलान किया जाएगा, अभी तक इस हवाले से क्लियरेंस नहीं मिल सकी, कोई भी चीज़ वाजे नहीं आई कि आया कि एक लिहाजा एक प्रेस रिलीज महज जारी की जाएगी जिस तरह से हसन अली को रिलीज करने के बारे में थी, या बाकायदा तौर पर जिस तरह पाकिस्तान टीम की दौरा आयरलैंड के लिए और इंग्लैंड के लिए टीम का ऐलान किया गया था। मगर हकमी तौर पर तो 15 खिलाड़ियों के नाम तो सामने आ चुके हैं, इसके साथ साथ अब ये भी तवक्को की जा रही है कल जो क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान हैं जिनमें से अगर बात करें वहाब रियाज और मोहम्मद यूसुफ, तो वहाँ इसके साथ साथ कप्तान भी जो कि सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है वो इंग्लैंड में मौजूद है। दूसरी जानब यहाँ पर असद शफीक हैं, इसके साथ अब्दुल रजाक और बिलाल अफजल हैं जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। मोहसिन नकवी अब मौजूद है, कभी इम्कान है कि कल बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान का जो स्काउट है लाजमी तौर पर ऐलान किया जाएगा, क्योंकि 24 मई हकमी डेट दी गई थी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC की जानब से, तमाम जितनी भी ICC के लिए टीमें हैं उनकी जानब से अपने स्काउट का ऐलान कर दिया गया, महज अब सिर्फ पाकिस्तान रह गया, तो कल बिल आखिर पाकिस्तान की टीम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये बताइएगा कि टीम क्या यहाँ से अनाउंस की जाएगी या फिर आपको लगता है कि टीम जो है वो इंग्लैंड से अनाउंस की जाएगी। अली सलमान, लग ये ऐसा रहा कि टीम को यहाँ से अनाउंस किया जाएगा, अगर इंग्लैंड से ही करना ही अगर होता तो मेरा ख्याल है कि कल या आज उसको अनाउंस कर देना चाहिए था, मुख्तलिफ यहाँ पे आ रहा सामने आ रहे, मगर हतमी तौर पर PCB की जानब से इसका भी नहीं बताया गया कि बाकायदा तौर पर मोहसिन नकवी साहब यहाँ पर मौजूद होंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जो टीम जो मेम्बरान है सिलेक्शन कमेटी के वो भी उनके हमराह होंगे, तो वर्ल्ड कप का एक बड़ा टाइटल होता है, बड़ा अनाउंसमेंट होती है, तो उम्मीद ये की जा रही है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल तक तो तवक्को थी कि कल बजरिया जूम मीटिंग या वो एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, तो एक गो मगो की कैफियत है शायकीन क्रिकेट के लिए भी कि सबको इंतजार है कि पाकिस्तान का स्काउट, अब नाम तो अब सामने आ गए हैं,
तो आखिर पीसीबी और जो मैनेजमेंट है इतनी ताखीर से फैसले क्यों कर रहे हैं? इस पर शायके ने क्रिकेट खासे नाला भी नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान हर काम में ताखीरी हर बे इस्तेमाल कर रहे हैं। तजर्बात किए गए हैं, टीम के तजर्बात सामने आ गए। अगर तजर्बात को ही मद्देनजर रखना था तो दौरा न्यूजीलैंड के खिलाफ ही सीरीज थी, इसके साथ साथ आयरलैंड और अब इंग्लैंड भी आ गया, तो जल्द अज जल्द अब टीम को अनाउंस होना चाहिए था, मगर काफी ताखीर हो गई है। ठीक है, अब जरा हॉकी के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि नेदरलैंड और पोलैंड के वीजे जारी कर दिए गए हैं और कुछ खिलाड़ियों के जो अलाउंसेज हैं उसके भी के बारे में क्या तफसीलात हैं? क्या अलाउंसेज दिए जा रहे हैं खिलाड़ियों को या उसमें अभी मजीद ताखीर होगी? बिल्कुल, हॉकी का तो मामला तो खासी गंभीर रहे हैं, तो खुशकिस्मती के पाकिस्तान की टीम ने अजलान शाह हॉकी कप में सिल्वर मेडल जीता और अच्छी कारकर्दगी दिखी और इनाम की बारिश हो गई, माली हालात बेहतर हो गए। इस वरना तो खिलाड़ियों के पास तो खाने पीने और अपने अलाउंसेज के अखराज पूरे करने के लिए भी पैसे नहीं थे, यही सूरत हाल है। अभी भी जो अजलान शाह और इससे कबल एक और टूर्नामेंट था उसके पैसे भी जो बोनस है वो भी इंतवा कशकार, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान हॉकी के PHF के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें भी उनको नहीं अदायगी की गई, उनका मुआवजा नहीं दिया गया। इस हवाले से उनकी जानब से भी खासा एहतजाज भी किया था, जो कि गुजारिश की गई थी वजीर अजम से भी, इसके साथ साथ राना मशहूर से भी, कि जितने भी माली मामला थे खिलाड़ियों के और हॉकी फेडरेशन के तो उनको जल्द अज जल्द हल किया जाएगा, मगर अब सूरत जू की तू है। दूसरी जानब खुशकिस्मती और अच्छी खबर ये आई कि पाकिस्तान को वीजे जारी कर दिए गए। पाकिस्तान के वीजे ताखीर का शिकार था, अब कल सुबह यानी कि अब से चंद घंटे बाद पाकिस्तान की टीम पोलैंड के लिए रवाना होगी। थैंक यू सो मच इमरान लतीफ, हमें आप क्रिकेट और हॉकी दोनों के हवाले से अपडेट कर रहे थे। लाहौर से नुमाइंदा खसूसी हमारे साथ मौजूद थे इमरान लतीफ। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक और ब्रेक का जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे बड़ी जबरदस्त शख्सियत के, जब जब शो में आते हैं तो अपनी एक अलग ही जो है वो रौनक छोड़ के जाते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद इमरान लतीफ जो पाकिस्तान टीम के अनाउंसमेंट के हवाले से बात कर रहे थे और अब हमें कैसी जबरदस्त शख्सियत ने ज्वाइन किया है कि जब जब शो में आते हैं तो अपनी एक अलग ही रौनक छोड़ के जाते हैं। हमारे बहुत ही अपने और हमारे बहुत ही करीबी कमर रजा इफ़ी साहब एक तवील अरसे के बाद हमारे साथ शो का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच आपको एक आपने एक मरतबा फिर मुझे इनवाइट किया। मुझे लग रहा है दरो दीवार में से आवाज़ें आनी बंद हो गई थी या फिर यहाँ की दीवारों को मेरी आवाज़ ज़्यादा पसंद है। हाँ, लेकिन ये काफ़ी अरसे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हुई, ये बताएं कि पाकिस्तान की टीम में आज चहचहा क्यों रहे हैं आप? इतने खुश, आपको देख के मुझे खुशी हो रही है। आप कुछ और सोच रहे हैं मेरे लिए, ऐसा लग रहा है कि आप क्या कहाँ से पकड़ो? नहीं, मैं अभी पकड़ा, अभी शुरू होने वाला है मामला, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये बताएं कि पाकिस्तान की टीम का जो अनाउंसमेंट है इसमें इतनी ताखिर क्यों हो रही है, बताएं जरा। अली यार, ताखीर का तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, मैं इत्तेफाक से ये जरूर बता सकता हूं आपको कि आप अपनी नाकामियां, अगर आप कहीं नाकाम हो जाते हैं या आपसे कोई चीज गलत हो जाती है तो आपको लगता है कि नहीं यार माफी मांग लेनी चाहिए। क्रिकेट एक ऐसी जालिम खेल है ये कि इसमें आपसे गलती हो जाए तो भी आपको पैसे नहीं रुकेंगे आपके। तो जहां पैसे ही ना रुकते हो, जहां अकाउंटेबिलिटी ना हो, वहां देर से तवक्को करनी क्या है, देर आए सवेर आए, लड़के वही आने। क्योंकि बाबर आजम का जो इंटरव्यू आया था वो मैं आपको बता दूं अली, एक छोटी सी लाइन ले रहा हूं फिर आप बाबर को ना पकड़ लीजिएगा। बाबर कह रहे हैं कि यार मुझे, मैंने कप्तानी इसलिए ली कि मैं सेमीफाइनल भी खेला, फाइनल भी खेला और मेरे पास अब गोल्डन चांस है। भैया 6 साल में तुझे चांस तुझे ही मिल रहे हैं, ठीक है, किसकी कंधे पे बैठ कर आया वो कंधे तो दिखा दो मुझे, जो सारा तकिया तुम पे ही करते हैं, तुम ही जिता के लेकर आओगे। बहरहाल पाकिस्तान का स्क्वाड आएगा, आज नहीं कल आ जाएगा यार, कल नहीं परसों आ जाएगा, और वर्ल्ड कप के मैच से एक दिन पहले भी आ जाए तो आपके लिए तो आपने तो सिर्फ तालियां बजानी है, तो आप तालियां बजाने के लिए तैयार हैं। सवाल नहीं कर सकते आपके लड़का क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, बस। अच्छा ये बताएं कि जो 15 हैं जिसके बारे में बात की जा रही है, 18 में से इरफान नियाजी को ड्रॉप कर देंगे, हसन अली को पहले ही रिलीज कर दिया गया है और साथ साथ सलमान आगा अपनी जगह नहीं बना सकेंगे, ये जो 15 हैं ये स्क्वाड से आप मुतमईन हैं? अली मेरे ख्याल में यार सलमान को रखना चाहिए अगर हम उससे पूछेंगे। देखें यार, जो खिलाड़ी आपको अच्छा करके दे सकता है उससे T20 में भी अगर आपने देखा होगा, PSL में मेन किरदार रहा है उसका, उसने उस जगह पे रन्स मारे हैं जहाँ पे मुश्किल थे इस्लामाबाद के लिए, और वो मेरे ख्याल में एक तरह से देखा जाए तो 3 से 4 मैचेस का मेन प्लेयर है उनका सलमान अली आगा। ठीक है, बड़ा बदकिस्मत है कि यार 18 में तो आया, ठीक है सेटिंग तो बनी उसकी, ठीक है, मगर ये कि 15 तक उसकी सेटिंग नजर नहीं आ रही। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो होना चाहिए। इरफान नियाजी उसका क्या अचार डालोगे? शाहिद ने ट्रेन किया हुआ है उसको, सही है, वो घर बैठ के क्या तालियां बजाएगा? अबे उसको खिला दो, ये जो तुम खिला रहे हो अपने लकड़ झगड़ के, तो पिछले 4-5 साल तो खेले ही जा रहे हैं, कुछ तो रिटायरमेंट लेकर वापिस आए फिर खेलने को तैयार है आमिर और हिम्मत। तो जहां
पाकिस्तान के बच्चे को एक्सप्लोर करना चाहिए, वहां पर तुम उसको घर बिठा के मतलब उसका मोराल डाउन कर रहे हो। फिर रह गया हसन अली, अभी तो ये गया क्यों था, ये गया क्यों था जो इसके लिए इतनी बड़ी खबर बनाई कि हसन अली को रिलीज कर दिया गया। भैया इसको पकड़ा हुआ किसने था, ठीक है, तो ये तो पता चल गया ये सबको कहानी के, यार दोस्ती यारी भी चलती है कहीं ना कहीं। और ये बताया जाता, मैं पहले भी कह चुका अली जो इनका पूल ऑफ प्लेयर्स है उसमें सब वो लोग हैं जो इनके ऑर्डर लेते हैं, इनको कह दिया जाता है कि तुम बाहर हो तो ये बाहर हो जाते हैं, बाहर आके कुछ नहीं कहते। और जो बिल्कुल ही पूल ऑफ प्लेयर से बाहर हो गए हैं वो आपको पता ही। अच्छा, अभी ताखिर जो हो रही है वो देखना किसको, क्योंकि हारिस रऊफ के बारे में एक खबर आ रही है कि हारिस रऊफ की फिटनेस चेक करनी है, मैच फिटनेस उनकी देखना, आपको लगता है सिर्फ एक हारिस रऊफ की वजह से इतनी ताखिर की जा रही है? अली ये धोखा है, देखिए यार अभी वर्ल्ड कप के बाद ही पता चला लोगों को कि यार मिकी आर्थर को मना किया हुआ था बाबर आजम ने फिटनेस टेस्ट नहीं लेने किसी के, यार जहाँ कप्तान की इतनी से हो ठीक है और इतना दबदबा उसका कि यार वो मना कर दे तो कोई तैयारी नहीं है किसी का, मिकी आर्थर चुप रहा है पैसे मिलते रहे। मैंने आपको क्या कहा, आप अपनी गलती की सॉरी कर सकते हैं मगर ये लोग गलती के पैसे लेते हैं, तो ये अकाउंटेबल होने ज़रूरी हैं। बाबर आजम अगर वो फिट नहीं है तो बाहर करें भाई, पाकिस्तान के लिए वो लड़का खिलाएं आप जो कम से कम पाकिस्तान को जिताता हुआ नजर आए। मेरी तो घबराहट हो रही है जब से बांग्लादेश को हराया उसने यूएसए ने, मैं 6 जून के लिए तड़प रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार कहीं बहुत ही बड़ा अपसेट ना हो जाए। और सबको पता है कि पाकिस्तान वो टीम है कि इसको हरा दो कोई मसला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको, ना कोई हटाने वाला है इनको। तो यहाँ ये देखना है कि कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही है T20 और ये ऐसा फॉर्मेट है यहाँ पर कोई भी टीम किसी वक्त भी भारी पड़ सकती है। तो आने वाले जो हालात नजर आ रहे हैं, आप न्यूजीलैंड से बराबर करके चले गए जी, आयरलैंड से एक मैच हार गए, हारे कैसे, व्हाइट वॉच की तुमने सुबह नहीं देखी कभी क्या? कब करोगे व्हाइट वॉच, कौन सी टीमों पे करोगे व्हाइट वॉच, क्या तुम्हें सारी ओरिजिनल टीमें दे दे खेलने के लिए जिनके साथ तुम व्हाइट वॉच करोगे? खाते पीते टांगे बनाए हुए, मैं आज एक वीडियो देख रहा था कल के मैच प्रैक्टिस की, यार अजहर महमूद को किसी ने बता दिया कि तुम्हारी थाइज अच्छी बनी हुई है, वो हर शॉट के ऊपर अपनी थाइज दिखा रहे थे। मतलब यार तुम ये तो थाई दिखाने आए हो अपनी, क्या कि मैं फिट हूँ भाई, क्यों किस बात के फिट हूँ? आजम खान उसको कह रहे हैं आप भी खेल सकते हैं, आप भी अनाउंस ना हो जाएगा स्क्वाड में कहीं। तो यहाँ तो इनके मजे लगे हुए हैं, आप समझे, ये इनके लगे हुए मजे अली, परेशानियां आप जैसे और मेरी जैसे लोग होंगे, 15 कौन होंगे। अबे इन 15 में तो सारे वही हैं जो 6 साल से हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो पिछले 6 सालों में रिटायर हो गए टीम में आ गए, तो फिर नया तो कोई भी नहीं है ना यार। सही, जब है ही नहीं तो फिर बेकार है बात करनी। अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ खेला, लोग तो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान भाई जो है वो 2-1 से सीरीज जीत गया, लेकिन अगर आयरलैंड, जिस तरह मैं बार बार बात कर रहा हूं अपने शोज में कि अगर आयरलैंड दूसरे मैच में कैचेस नहीं ड्रॉप करता, थोड़ा इनएक्सपीरियंस नहीं होता, तो उस मैच का नतीजा भी जो है वो आयरलैंड के हक में होता। इस पूरी सीरीज को अगर आप एनालाइज करें, उसके बाद कुछ उम्मीद की जा सकती है पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को जीतने में कामयाब होगा, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ भी हम स्ट्रगल ही करते नजर आए, गो के सीरीज जीते लेकिन जीते मुश्किल से। अली आपने 200 रन नहीं बनाए सकी हुई टीम के ऊपर, ठीक है, आयरलैंड ने एक दफा एक मैच 200 रन, अफगानिस्तान से सीरीज हुई व्हाइट वॉश हो गया, अफगानिस्तान 300 रन मार दिए, इनसे 300 ना बने दो दफा बैटिंग करने में। तो जहां अप्रोच इस कदर डरी हुई हो, जहां ये टेंशन हो कि यार मेरा नंबर ना चला जाए, जहां ये टेंशन ये हो कि मेरे 50 ना रह जाए, जहां ये मसला हो कि यार मेरे रन होंगे तो मैं ये कम से कम दिखाने के लिए दिल पेशावरी के लिए ये तो होगा कि मैं तो कर रहा था, तो जहां ये वाली फीलिंग होगी ना अली, जहां 50 के लिए पूरी टीम को आपने मैच हरवा देना है कि मेरे 50 हो जाए भले टीम हार जाए, ठीक है, नीचे वाला भले 20 बॉलों पे 80 रन मारने हो वो जाने उसका काम जाने, मैं बोलूंगा भाई मैं तो तैयार था मैं तो कर रहा था मगर नीचे वालों से ना हुआ, ये देखें बॉलिंग ने 10-15 रन शॉट थे, बॉलिंग ने बचा सकी, तो जहां आपके पास एक्सक्यूजेज इतने सारे हो वहां अली मसाइल रहेंगे। जहां तक रही पाकिस्तान की टीम की ये वाली कहानी के यार ये आयरलैंड से आपने देखा मैंने बताया ना 200 रन नहीं बने आपसे आयरलैंड के खिलाफ, तो मैं ये कह रहा हूं कि सीरीज पे एनालिसिस अगर बनते हैं तो आयरलैंड के ऊपर बनते हैं, पाकिस्तान में नहीं बनते। भाई तुम मुकाबला किसे कर रहे थे, हेक्टर टेक्टर ये कौन लोग हैं भाई, कहां से आते हैं? पूरा 11 भी कोई नहीं बता सकता, उनका नाम ही नहीं बता सकता। उनका लौंडा मेन तो लौंडा चला ही नहीं उनका, जिसका पॉली स्टर्लिंग था, ठीक है, वो तो चला ही नहीं, वो चलता तो पता नहीं कितने होते भाई। तो यहाँ कैचेस अली छूट जाए कोई बात नहीं, देखिए कैचेस ड्रॉप होते हैं ये इज अ पार्ट ऑफ क्रिकेट यार, मतलब इसमें ये मैटर नहीं करता कि कैचेस छूट गया, मिस फील्डिंग हो गई, रन आउट छूट गया, ये तो वो जाने वो जो लोग खेल रहे हैं वो जाने उनकी फिजिकल फिटनेस कितनी है। हाँ ये जरूर है कि भैया मेरी आंखें तरस रही हैं कि जनाब पाकिस्तान 200 कम मारेगा, फिर ये कि बाबर ने 4 छक्के मार दिए थे, उसके अंदर कौन था वो बॉलर कौन था वो
स्पिनर को ही मार दे ना, बासित भाई ने कहा फास्ट बॉलर को अगर मार दे तो फिर बात होगी ना। नहीं नहीं, मैं बासित भाई की तो बात कर रही हूं, मैं ये कह रहा हूं कि बासित भाई ने जहां बोला था वहां तो बासित भाई खुद नहीं मार सकते, वहां तो दुनिया का कोई बेहतरीन बैट्समैन भी नहीं मार पाएगा यार। जहां पर वो बासित भाई छक्के बता रहे हैं वो ऐसी चोर जगह है जहां पर शायद वेट वेट मार दे, वेट नहीं आते आपको छक्के वहां मारे थे, फील्डर नहीं होता। तो मैं ये कह रहा हूं कि बाबर आजम ने मार दिए चार छक्के, खबर बन गया, घंटा बन गई। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि ब्राथवेट के चार छक्के याद रहेंगे या बाबर आजम के, तो आप बताइए क्या होगा? सही, ब्राथवेट ही याद आएगा ना आपको, चार छक्के ब्राथवेट याद आएगा। अच्छा, अपने बाबर आजम तक गुफ्तगू आ ही गई है, तो जब दोहरा ऑस्ट्रेलिया में हफीज ने कहा कि बाबर को नंबर तीन पे खेलना चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे दो तीन महीने लग गए हफीज को बाबर आजम को समझाने में कि नंबर तीन पे खेलो। अब बाबर आजम खुद कह रहे हैं मैं नंबर तीन पे खेलता नजर आऊंगा, तो क्या रिजवान के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं अली? ये आप समझे नहीं, रिजवान बिल्कुल ही नीचे, अगर तो ये अपने आप को नीचे ना करता रिजवान कहाँ खेलता? रिजवान कहाँ खेलता यार, पीरो मुर्शिद हैं, उनके बगैर टीम नहीं चलती, वो नाराज हो जाए पूरी टीम बर्बाद कर देंगे वो। उनके बारे में तो ये सुनने में आया कि भाई रिजवान नाराज है, टीम खराब है पूरी, क्योंकि याद है आपको एक मैच जीते न्यूजीलैंड के खिलाफ रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, जब जब हमारे नंबरों के खिलाफ आएंगे पाकिस्तान हार जाएगा। अबे तेरी, तुम दोनों खेल खेल के हार रहे हो, ठीक है तुम्हें हटा दिया तो तुम्हें नुकसान ये हो रहा है कि तुम्हारे रन नहीं आ रहे, इनके 50-50 नहीं आ रहे थे, आप समझे नहीं। इस सीरीज पे घंटा एनालिसिस बनते हैं, रिजवान बाबर फखर कौन है, खेला किसने भाई? नीचे वालों की तो फिर बारी नहीं आई आपके, नीचे वाले तो फिर 0 मीटर है आपके, ये फिर खेल गए। अबे यही खेलेंगे, हल्का आ जाए तो भी यही, भारी आएंगे तो भी यही है, इवेंट आया तो भी यही। ठीक है यार, अगर आपके तंदूर का आप ही का तंदूर है, अपनी रोटी है तो भी लगाए जाओ घंटे से हमारे। लेकिन लेकिन रफी भाई, अब जो ओवरऑल जो सिनेरियो है पाकिस्तान की टीम का, अगर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं कि वो इफ्तिखार है, इफ्तिखार का नंबर ही सेट नहीं हो पा रहा, इफ्तिखार को इतनी बॉलें कम मिलती हैं क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद आके अपने स्ट्रोक खेलता है, तो आपको नहीं लगता कि कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का थोड़ा डिसबैलेंस सा नजर आ रहा है? अली बना का है कॉम्बिनेशन यार आपका, अब बना ही नहीं आपका, कहीं तो शान खेलते हुए नजर आया, शान आपकी नाक का बाल बने हुए थे वहां पे वर्ल्ड कप में, वो ना खेलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनिंग तो आप घंटा आपसे रन ना होते, इंडिया के खिलाफ ना खड़ा होता इफ्तिखार के साथ तो आपके पास रन भी नहीं थे। मान भी आ जाएगा, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये कौन सा यार लगाया हुआ इन लोगों ने यार चक्कर, कि कहीं तो गोद में ऐसा लिया कि उतारने को तैयार नहीं है शान को। ठीक है, शान ही खेले जा रहे हैं, शान गायब हो गया, फिर वो आ गए, साइम आ गए। भैया साइम को अगर आपने मौका देना तो इंग्लैंड में देते ना, वो तो यही मारता है इस तरफ, बॉल तो इंग्लैंड में ही आएगा ये वाला, यहाँ पे जहाँ पे आपने खिलाया यहाँ तो नीचे आ रही है बॉलें, टुक टुक सिंगल डबल चौके रिजवान दिए जाओ, लपाड़े खींच खींच के झाड़ू मारे जाओ बस, और क्या अबे मारो ना वहां पे। फिर ये कि मेन मैचेस में रन नहीं आपके, साइम को जो आपने तजुर्बे किए हैं कि बेस्ट टीम के अगेंस्ट थोड़ी कराया आपने अभी तक कोई, उसको वो तो जब वर्ल्ड कप पूरा खिलाएंगे तो पता चलेगा। साइम पे भी वैसे काफी तनकीद हो रही है कि बड़े मैच में वो रन नहीं कर रहे हैं साइम। अलिक आप समझे नहीं, ये बड़े मैच हैं कौन से मुझे तो बताओ, न्यूजीलैंड में कौन सा बड़ा खिलाड़ी आया था भाई? कौन सा बड़ा खिलाड़ी था वहां? था बड़े मैचेस न्यूजीलैंड में जहां 4-1 हुआ आपको, वहां क्या हुआ? कहां गए भाई? टेस्ट तो क्या तेल लेने यार, टेस्ट में जो कुछ हुआ वो हुआ, T20 में क्या हो गया आपको? वहां पर न्यूजीलैंड में क्या हुआ था, किससे कहा था? क्योंकि पूरी टांगे उतरी हुई थी ना न्यूजीलैंड की, कहां गए आप? 4-1 लग गया आपको। अभी आपने इशारा क्या दिया कि हम दोनों को हटाया ना तो इस वजह से पाकिस्तान हार गया, फिर जो तुम दोनों खड़े भी रहते हो तो भी हार जाता है। ठीक है, फिर तुम गिनाते हो कि देखो तेज तरीन 3,000, तेज तरीन 4,000, सबसे ज्यादा 50, सबसे ज्यादा एवरेज। अबे तेल लेने गया था एवरेज तुम्हारा, सही कि इतनी हल्की टीमें मार के तुम एवरेज बनाओगे? पाकिस्तान इतना बड़ा नाम है भाई क्रिकेट में, सही तो पल रहे हो उसके नीचे। अभी 3 महीने के बाद क्यों कह रहे हैं भाई? ये 3 महीने के पैसे छोड़े उन्होंने कि मेरी नाफरमानी कर रहा था, ये मैं 3 महीने के पैसे नहीं लूंगा। सही, ठीक है, कमाल हो गया। जब गले को आ जाती है, जब पैसे फंस जाते हैं, तो फिर मैं समझा रहा था। अबे इस तरह अगर समझाना है मुझे भी कोच रख लो, मैं भी 3-3 महीने तक समझाऊंगा। ठीक है, ऑलराइट इफ भाई, अपने मखसूस अंदाज में गुफ्तगू सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। इंग्लैंड की जो सीरीज है उसमें पाकिस्तान आना ये भी डिस्कस करेंगे इफ भाई से, और साथ साथ थोड़ा इंडियन क्रिकेट के वाले से भी बात करेंगे, क्योंकि सुनील गावस्कर ने जो है वो जो विराट कोहली को कहा था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने विराट कोहली स्ट्रगल करते नजर आते हैं, उसके हवाले से भी थोड़ी सी मैं बात करूंगा। कि सुनील गावस्कर का भी एक अभी मैं पढ़ रहा था कि वो खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने जब खेले थे तो उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, इस पर डिस्कशन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम कमर जैफी साहब से बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, लेकिन अभी एक और जो ब्रेकिंग न्यूज हुई है जनाब कि बांग्लादेश को दूसरे टी20 मैच में भी अमेरिका ने शिकस्त दे दी, 6 रन से शिकस्त दी। 144 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए अमेरिका ने और यूएसए ने, और जवाब में बांग्लादेश की टीम मैच 138 रन बनाकर आउट हो गई। ये क्या हो रहा है भाई? अली यार मैं ये कह रहा हूँ कि ये अमरीका से खेला ठीक है, बांग्लादेश को मारा। अली खान जो आज का मैच विनर है खास तौर पे अटक का ये लड़का है, और मुझे अच्छी तरह याद है जब ये यूएसए से खेल रहा था तो उस वक्त भी मैंने ये सोचा था कि यार आखिर ये हमारा टैलेंट बाहर जाके सुरखरू हो रहा है, इसका मतलब ये कि यार बाहर कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, बाहर कंधे पे हाथ रखा जा रहा है, बाहर कोई सेटिंग नहीं है। कोरे एंडरसन की ये टीम है ठीक है, जो तेज तरीन सेंचुरी वो भी मार चुके हैं, शाहिद का रिकॉर्ड वो भी तोड़ चुके हैं। तो मैं यूएसए को सबसे पहले तो मुबारकबाद हो, और साथ साथ जो आपकी ये बांग्लादेश है भैया, इन्होंने भी एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, मगर एक मैच अभी ऐसा खेलना है अमेरिका ने जो 6 जून को टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला जाएगा। पाकिस्तान का भी अपना एक रिकॉर्ड है बाबर आजम की कप्तानी में कि ये भी किसी हल्की टीम से हारने में महारत रखते हैं ठीक है। तो मुझे तो उस मैच का डर लगा हुआ है क्योंकि इनकी तैयारी हो रही है, और हमारे पास जो तैयारियां हैं वो बारिश की नजर हो रही है इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि यार देखें इतनी जल्दी असेंबल हो गई टीम, इतनी जल्दी उनका प्रेशर भी खत्म हो गया, इतनी जल्दी अटैकिंग क्रिकेट भी खेलने लगे। क्या बांग्लादेश को छोटी टीम है यार, मतलब जिसको यूएसए इतनी आसानी से, मतलब एक मैच तो चलो समझ में आता है, दूसरा मैच भी और लोएस्ट स्कोर है यानी कि 144 138 के ऊपर आउट कर देना और उसके बाद उसको चेस कर लेना, मतलब ये बड़ा कमाल है। इसका मतलब ये है कि टी20 वर्ल्ड कप में इस फॉर्मेट की तैयारी में यूएसए ने यकीनन कुछ ना कुछ प्रोग्रेस की है और आने वाली टीमों के लिए बड़ा खतरनाक होगा जी। और उनके जो कोच जो पुराने प्लेयर हैं अथर करके जो उनका नाम है, वो तो कह रहे थे कि सेमीफाइनल खेलेगी बांग्लादेश। यार ये तो छोड़ू है, ये वर्ल्ड कप में भी यही कह रहा था, वर्ल्ड कप के टॉप फोर सेमीफाइनलिस्ट 50 ओवर की, उसमें भी बांग्लादेश को रखा हुआ था इसने। इसके साथ भी रोहानी मामू वाला मसला है, नासिर हुसैन वाला, मतलब अपनी टीम को सिर्फ प्रमोट करते हैं, मतलब देखते नहीं है, मुंह खोलने आंखें बंद कर लेते। अली बात मसला ये है कि जब आप के लाडले होंगे ना टीम के अंदर तो आप फूक फूक के कदम रखोगे ठीक है, दूसरों को आप तो लपेट दोगे पकड़ के, जैसे साइम है उसको लपेटा जा रहा है, ये क्या ये नो लुक शॉट ही लेकर आया है, अबे जो खेल रहे हैं वो कौन सा जिता रहे हैं? अगर साइम नहीं खेल रहा कम से कम पहली बॉल पे 6 मार के दूसरी बॉल पे आउट तो हो रहा है, 40-40 बॉले तो नहीं ले रहा ना 50 करने में, मतलब नीचे वालों को आप तो नहीं मार रहा, नीचे वालों को नंबर तो भारी तो आ रही है ना नीचे वालों की, तो रोना भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ ये वाला जो चक्कर है ना अली, जब तक ये रहेगा टीम के अंदर, जब तक आप अपने लाडलों को बचाने के लिए दूसरे की परफॉर्मेंसेस उठाकर बताने शुरू कर देंगे तो ये तो भाई किस तरह फिर देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम अमेरिका को देख रहे हैं वो बांग्लादेश को आ रहा है, आयरलैंड भी हमारे पूल में शामिल है, इंडिया तो है ही है, तो क्या होगा क्या यार कमाल होगा क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि लोग 9 जून का सोच रहे हैं, 9 जून क्या 6 जून, अब तो मतलब जून के हर वो मैच जो पाकिस्तान अदर देन इंडिया खेलेगा वो अब टारगेट पे रखे आदमी के, भैया इनसे क्या जीतना है। आप ये देखें अली लो स्कोरिंग पिचेस नजर आ रही है वहां पे, मतलब ये देखने वाली चीज है, और बाबर और रिजवान महारत रखते हैं लो स्कोरिंग पिचेस के ऊपर, मगर ये देखना होगा कि अगर पाकिस्तान बैटिंग करता है टारगेट को चेस करता है तो क्या वो काम आएगा नहीं आएगा। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा बुरा एक्सपीरियंस नजर आ रहा है मुझे टी20 वर्ल्ड कप में, मैं इसलिए रिकॉर्ड पे बात लेकर आ रहा हूँ कि वहां पर एक तो ड्रॉप इन पिचेस हैं, पाकिस्तान का रिकॉर्ड ड्रॉप इन पिचेस पे इतना अच्छा है नहीं, किसी का भी नहीं रहा, आपके जो वर्ल्ड क्लास थे ना पुराने वाले लेजेंड क्लास के उनका भी अच्छा नहीं रहा, वो देखा है मैंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या परफॉर्मेंसेज हैं आपके बॉलर्स की और बैट्समैन की, इक्का दुक्का ही कोई निकल कर आ जाए तो आ जाए, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, वो भी ऐसी किसी मैच में जब जिसमें जीत की कोई उम्मीद ना हो वहाँ पर आपका लौंडा परफॉर्म कर रहा होगा। तो मैं यहाँ ये देखना है कि पाकिस्तान की तैयारी की तो आपने खबर बताई दी है कि टीम अभी तक अनाउंस स्क्वाड ही अनाउंस नहीं हुआ अभी तक, दुनिया भर की मतलब निराली टीम हो गई ये तो, नेदरलैंड से भी नीचे की टीम, नेपाल से भी नीचे की, पीएनजी से भी, पापुआ नई गिनी से भी मतलब निकली हुई टीम हो गई कि ये तो पाकिस्तान इंडिया का कौन से दूल्हा तैयार कर रहे हो भाई कहाँ पे? पाकिस्तान इंडिया का मैच है ये, ड्रॉप एंड पिच पे मैच है, हरभजन सिंह ने भी कहा कि ड्रॉप एंड पिच पे मैच नहीं होना चाहिए, दोनों टीमों को डिसएडवांटेज होगा, बड़ा मैच है बड़ा मुकाबला, और अगर ड्रॉप एंड पिच पे होता है तो दोनों टीमों को नहीं पता इस पिच का क्या बिहेवियर होगा, ये थोड़ा सा इस बड़े मैच के साथ जाती नहीं है अली, दोनों टीमों को पता नहीं, मगर आप जेन्युइन अगर आप टी20 क्रिकेट के ऊपर आप अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में यार इंडिया का बैलेंस ज्यादा आपको स्ट्रांग लगेगा स्ट्रेंथ वाइज अगर आप देखेंगे, क्योंकि सारे बड़े नाम है वहां पर और हमारे अपने खुद साख्ता बड़े नाम है, तो इंडिया का बैलेंस ज्यादा अच्छा लगे, वो अलग बात है कि गिवन डे के ऊपर पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करे जैसे पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 में किया था, मगर मुझे हैरत है उसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार कैसे गया, आपने वो मैच
जीता जिसकी तवक्को नहीं थी, किसी को भी नहीं थी पाकिस्तान जीत जाएगा, और पाकिस्तान ने प्रूफ किया। मगर आप जिस अंदाज से हारे वो भी फिर उसके बाद तवातुर से आपने, तो 9 जून हो, 6 जून हो, या इसके अलावा कोई सी भी जून हो, ठीक है, 9 जून को तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इमोशंस का भी मुकाबला होता है, ये क्रिकेट से ज़्यादा कुछ और चल रहा होता है इंडिया पाकिस्तान में। पाकिस्तान के दीगर मैचेस जो है ना, जो आयरलैंड से बताया आपने, जो अमेरिका भी, यूएसए भी हमारे साथ, तो मैं ये कह रहा हूँ इन टीम्स को देखना है कि पाकिस्तान छोटी टीम्स से प्रेशर में खेलेगा। अली, और ये तजुर्बा मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, भले न्यूजीलैंड के खिलाफ आपकी ये वाली सीरीज हो, भले वो जो आप खेल कर आ रहे थे, या इससे पहले की भी बता देता हूँ जिसमें मुइन अली जो है वो कप्तान बन गए थे, बटलर बैठे हुए तालियां बजाते रहते साथ के साथ में, जिसमें तुम्हें ये कह रहा हूँ आपने कभी भी लूटमार नहीं मचाई कि अगर कोई सेल लगी हुई टीम आई है कि सेल लगी हुई है मारो इनको पकड़ के बच्चे भेज रहे हैं हम तुम्हें, आपने कभी सेल नहीं लगाई, आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं कुछ ऐसा डिफरेंट कर दूं। भाई ये डिफरेंट बाबर आजम अगर आज से 3 साल पहले करते ना, क्योंकि बाबर 3 साल पहले ज्यादा अच्छा था, पहले ताकत भी थी, पहले उसका फिटनेस लेवल भी अच्छा था, ठीक है, अब वजन भी बाबर आजम का ज्यादा है, रिजवान पहले बेहतर ज्यादा 3 साल पहले अगर ये कुछ बेहतरी ले आते तो ज्यादा बेहतर था, मगर अब वक्त के साथ साथ ही अपने आप को ढाल चुके हैं इस बात में कि अपने रन्स करो, टीम में जगह कन्फर्म रखो, और स्कोर कार्ड पे बता के रखो कि मेरा ये एवरेज है, मेरे रन है, मुझे कोई आगे पीछे नहीं कर सकता, जबकि दुनिया की दीगर टीम्स जो हैं वो इस बात पे आ रही हैं कि 50 कोई नहीं करेगा, 50 कोई नहीं करेगा, 15 पे 40 करो, 12 पे 28 करो, ये वाला मंजन है तो टीम का हिस्सा हो, वरना नहीं हो भैया, कोई टीम ऐसे अच्छा आदमी लेके नहीं चल रही है जिसका मतलब जो है वो स्ट्राइक रेट जो है 120-121 आ रहा है, कमाल हो गया। लेकिन इफ भाई दूसरी तरफ आप बहुत ज्यादा इंडिया की क्रिकेट के हवाले से जानकारी भी रखते हैं और बहुत ज्यादा बात भी करते हैं, ये क्या वजह है कि पहले रिकी पोंटिंग ने मना किया, बैंडी फ्लावर ने मना कर दिया इंडियन टीम की कोचिंग के हवाले से, क्या इंडियन टीम की कोचिंग करना तो किसी भी टीम के कोच के लिए बड़ी प्राइड की बात हो सकती है, क्योंकि इतनी बैलेंस टीम है, इतना वहाँ पे पैसा है, इतना वहाँ पे ग्लैमर है, इंडिया में अगर आप परफॉर्मेंस देते हैं तो पूरी दुनिया में आपका जो सीवी है कोचिंग के हवाले से वो बहुत हाथों हाथ लिया जाता है। रिकी पोंटिंग और एंडी फ्लावर, क्या वजह है कि दोनों ने मना किया? यार एंडी फ्लावर तो काफी कमिटेड आदमी है, और वो इस वक्त जो IL T20 हो, भले T10 हो, और भले वो इंग्लैंड वाली 100 हो, उसका रिकॉर्ड तो आपके सामने ही है, एंडी फ्लावर का जबरदस्त रिकॉर्ड है, और फिर जिस अंदाज से RCB को उन्होंने क्वालिफाई करवाया टॉप 4 के अंदर, दुनिया का हर एनालिस्ट जो है वो फारिग कर दिया उस दिन उसने, कि जो ये कह रहा था कि यार 6 मैचेस में 7 में से 1 जीते थे और फिर उसके बाद जो अगले खेले उन्होंने 7 उसमें से 6 मैच जीत गया, तो मैं कह रहा हूँ उसने तो बिल्कुल ही मिरेकल कर दिया था, और ट्राई एंड टेस्टेड है, और वो 100% उसका जो है नजर आता है फील्ड के अंदर, खासतौर पर एंडी फ्लावर का, भले मुल्तान हो, भले वो और दीगर टीम्स हो, तो एंडी फ्लावर का तो ये हो सकता है कि उनके पास टाइम ना हो। बात दूसरी रह गई रिकी पोंटिंग की, देखे यार वो अपने आदमी को तो पैसे दे सकते हैं ज्यादा, राहुल द्रविड को, मगर रिकी पोंटिंग को थोड़ी इतने पैसे देंगे कोई, आप समझे नहीं, बात तो मामला तो पैसे पे आए होंगे ना यार, क्योंकि रिकी पोंटिंग तो सोचे दिल्ली कैपिटल्स के वो हेड कर रहे हैं, और वो दिल्ली कैपिटल्स के पैसे भी अच्छे, मुंबई इंडियन के साथ भी रहे, तो अब वो राहुल द्रविड वाले पैसे नहीं दे सकते। इसके अलावा इंडिया से अगर आप देखें, धोनी का नाम चल रहा है, गौतम गंभीर का कहा जा रहा है कि वो भी, हरभजन ने खुद ही चलती बस में सवार हो गए, कहने लगे कि यार मुझे भी कोच बनना है, तो वहां तो सेल लगी हुई है इस वक्त कोच की, मगर BCCI कोच। अच्छा, चलती बस की आपने बात किया ना, तो चलती बस में वसीम अकरम साहब भी सवार हुए, उन्होंने कहा कि इरफान पठान ने तो बिल्कुल सही कहा कि अगर खेलने के लिए आना है तो फिर पूरी लीग के लिए खेलो, और अगर नहीं आना तो फिर मत आओ, मतलब पूरी लीग नहीं खेल सकते तो मत आओ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंग्लैंड के जो पाकिस्तान से मैचेस हैं, वार्म अप मैचेस नहीं है दोनों टीमों के, क्योंकि इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज जारी है, अगर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर को बुला लिया है कि भाई आप आ जाओ नेशनल ड्यूटी का, और जो नेशनल ड्यूटी है वो कम्स फर्स्ट, मुल्क आपका पहले, तो उसमें वसीम अकरम का स्टेटमेंट देने का क्या बनता था? उनका तो कोई स्टेक भी नहीं वहां पे। चलो इरफान पठान तो IPL से जुड़े हुए हैं, सुनील गावस्कर जुड़े हुए हैं, वसीम अकरम ने क्यों कह दिया कि इरफान पठान से मैं मुत्तफिक हूं कि आओ तो पूरी सीरीज के लिए, और नहीं तो नहीं आओ। अरे यार, कढ़ाई किसी की, तेल किसी का, पकौड़े मैंने तलने। वसीम अकरम का तो मसला ही है ना कि वो एक सेकंड की भी अगर इंडिया की बात करनी होगी करेंगे, क्योंकि इनको तो पुराना खून लगा हुआ है ना मुंह को। अब यहां जो वो रेड मिल ही नहीं रहा वसीम भाई को, वो रेड थोड़ी मिल रहा है यहां पे कोई PSL में इधर उधर। मुझे याद है अच्छी तरह यार कि ये IPL कोचिंग कर रहे होते थे, कई दफा मिले भी मुझे, ठीक है, और एडवाइजर यहाँ पे लगे होते थे पाकिस्तान में क्रिकेट के। तो ये तो दोनों हाथों से लूटा है ना उन्होंने पकड़ के, उनकी जल्दी समझ में आ गया, उन्होंने बोला निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, ठीक है, उसके बाद से देख लीजिए आप। अभी ये T20 अभी स्टेटमेंट आया, T20 वर्ल्ड कप में ऑफिशियल कमेंटेटर है वसीम अकरम,
और वहाँ पर अब कुछ इंडियंस कमेंटेटर पहुँच भी चुके हैं, क्योंकि आईपीएल भी बिल्कुल इख्तिताम पर है, अब डेजिग्नेटेड लोग रह गए कमेंटेटर जो करेंगे, तो वहाँ पर अब ये बात होगी। और फिर इरफान पठान और तुम्हारा लेवल है, तुम इरफान पठान को भी पढ़ते हो। और फिर दूसरा ये कि यार अली ये वाला चक्कर है ना, इंग्लैंड के प्लेयर अब भैया इरफान पठान उनको नजर आ गया, उनको जॉस बटलर नजर नहीं आया, जिसने अपने क्रिकेट बोर्ड को तंबी करी है कि भैया आईपीएल के टाइम पे कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं रखा करो। ये बटलर का कहना है यार, बटलर का उठाओ ना, अबे बटलर है ना अब्बू तुम्हारे, उनका पढ़ो ना कसीदे। इरफान पठान के क्यों पढ़ो कि मेरी खबर बन जाए, कोई टीआरपी मिल जाए, कोई लोग शेयरिंग कर ले मेरी इस बात को कि मैं इरफान पठान को, तुम रेट कर रहे हो यार, कमाल हो गया। तुम वसीम अकरम हो, किसी ने बताया भी है तुम्हें? देखिए, लेकिन इरफान पठान के साथ तो स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन जो एजाज अहमद ने स्टेटमेंट दिया आपने सुना ही होगा कि 99 के वर्ल्ड कप को हारने की जिम्मेदारी एजाज अहमद ने कहा कि वसीम अकरम पे ही सारी आयद होती है। यार ये एजाज अहमद, ये मैं अभी क्या बोलूं, नेशनल टीवी अली मेरे मुंह से उल्टा सीधा निकल जाएगा, अब मैं यूट्यूब वाली जमाने सवाल नहीं करना चाह रहा यहां पे। मैं सीधी सी बात बोलूं कि यार ये छिछोरे हैं, इन्होंने कई खिलाड़ियों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है, अबे ऐसी की तैसी कर दी। ये 2008-09 से जो चिपके पाकिस्तान की, कभी अंडर 19 में, कभी किसी में, ये ऐसी की तैसी कर गए। अबे मैं दो लोगों को तो मैं आपको एक तो बता देता हूं, लौंडा छोड़ के चला गया यहां से पाकिस्तान से, क्रिकेट ही छोड़ के चला गया, उसका एक भाई अभी कोचिंग कर रहा है, अनूप रवि विकेट कीपर बैट्समैन था, और मैं ख्याल में सरफराज के बाद अगर किसी के नाम आ रहा था तो वो इसी का आ रहा था, डोमेस्टिक में बहुत बड़ा क्रिकेटर, उससे पूछे ना यार आप, वो क्या कहता है इनके बारे में, सही कि इसको बैटिंग कर, मतलब मैं इसको बुला लिया करता था वो कि तुम आ जाओ, वो जाएगा खेलने के लिए, बैटिंग भी पूरी करने नहीं देता था। सही यार, हमें तो पता है ना इन लोगों का, ये किस दिमाग के चूड़े दिमाग के लोग हैं ये, ऐसे टाइम पे कंट्रोवर्सी, मतलब क्या? इनका तो माजी क्या बहुत सा धुला हुआ है क्या इनका माजी, अबे ये चेक बाउंस होने में तो पकड़े जा चुके हैं ये, मतलब पहले तो अपनी अकाउंटेबिलिटी करे, अपने गिरेबान में तो झांक लिया करो यार तुम लोग। कम से वसीम अकरम का तो दुनिया जानती है कि जस्टिस कयूम ने लिखा कि मैंने इस पर जुर्माना सिर्फ इसलिए किया कि मेरे बेटे का दोस्त था, बेटा इसको पसंद करता था, बेटा फैन था इसका, मगर उन्होंने ये भी कहा कि को दूर रखा जाए। भैया ये जो लेजेंड ये जो चिपके हैं ना आपके ऊपर, इन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेटर बनने नहीं दिया, ये चूज गए पाकिस्तान की क्रिकेट को, कभी वकार भाई की बारी लगती है, कभी रमीश भाई की बारी लगती है, कभी वसीम अकरम, भाई कितनी कितनी बारियां ले चुके हैं यार ये लोग, क्रिकेट बना ले इनकी, मुझे बताए फिर कौन ठीक करेगा अगर इनसे ठीक ना हुई। एक नए कोच आए, वो अपनी टांगे दिखा रहे हैं, कट्स बने हुए टांग पे पता नहीं क्या, अबे भाई तू तेरी टांगे थोड़ी देख ले, लौंडे फिट है तेरे या नहीं ये देखना है हमने। ठीक है, इफ्फी भाई के साथ गुफ्तगू हमेशा की तरह इसी माहौल पे आके खत्म होती है। थैंक यू सो मच इफ्फी भाई, हमारे साथ आप मौजूद थे, लेकिन यही देखा है अगले आने वाले शोज में भी आपको और हमारे साथ इसी तरह से रहेगा। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।